सो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में करेंगे इंटरनेट स्पीड टेस्ट। आज हम भारत में फेमस तीन हुई ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी वी का प्रॉपर इंटरनेट स्पीड टेस्ट करेंगे। जो ओकला का ऐप है स्पीड टेस्ट, उसके द्वारा इन तीनों ही कंपनीज में कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पर तीन फ़ोन लिए हैं, जिनमें से एक है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स और दो हैं रेडमी के नोट 10 प्रो। अब हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि आप में देख सकते हैं हमारा जो पहला फ़ोन है उसमें आपको वी आई इंडिया की सिम लगी दिख जाएगी। तो अगर हम बात करें हमारे दूसरे फ़ोन की, तो हम इसमें ऊपर से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एयरटेल की दो सिम है वो हमारे दूसरे फ़ोन में लगी हुई है, जबकि हमारा जो तीसरा फ़ोन है उसमें आपको जियो की सिम लगी दिख जाएगी। आपको जियो में यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4G प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। हमारी जो जियो की सिम है वो रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स में लगी हुई है, जबकि दोनों रेडमी नोट 10 प्रो में आपको एयरटेल और वोडाफोन की सिम देखने को मिल जाएगी। तो हम इस टेस्ट में आपको स्पीड टेस्ट जो ओकला द्वारा प्रमाणित ऐप है उसमें स्पीड टेस्ट को रन करके दिखाएंगे। तो सिंपली हम तीनों ही फोन्स में स्पीड टेस्ट जो ऐप है उसे हमने पहले ही उसे इंस्टॉल कर लिया है। तो हम चलिए जो हमारा पहला फ़ोन है जिसमें हमारे जियो की सिम लगी हुई है उसमें हम इस टेस्ट को सबसे पहले रन करने वाले हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नीचे इस ऐप में रिलायंस जियो लिखा दिख जाएगा, और इसमें हमने स्क्विल को भी आप देख सकते हैं 100 Mbps का लिया है। और चलिए तो हम अब इस टेस्ट को रन करना शुरू करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जियो की स्पीड है वो बहुत ही तेज़ निकल कर आई है, बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ देख सकते हैं 25 Mbps से भी ऊपर जा रही है। अगर हम बात करें अपलोड स्पीड की तो वो निकल कर आई है 6.36 Mbps। सो ये रही आपके सामने जियो की इंटरनेट स्पीड। तो चलिए अब हम टेस्ट को आगे रन करते हैं और हमारा जो दूसरा फ़ोन है उसमें है एयरटेल की सिम और उसमें हम स्पीड टेस्ट ऐप को रन करते हैं और देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एयरटेल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल की सिम इस फोन में लगी हुई है, स्केल वही सेम लिया गया है जो पहले हमने लिया था। सो हम चलिए गो पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें आपको कितनी स्पीड देखने को मिलती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एयरटेल की स्पीड है वो जियो से भी बेहतर निकल कर आई है हमारे सामने, 27.6 Mbps। और अपलोड स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है जियो से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम हमारा जो लास्ट फ़ोन बचा हुआ यानी कि जो वोडाफोन आइडिया का इंटरनेट स्पीड है उसे चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम इस फ़ोन को बीच में लाते हैं और देख, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क दिखाई दे जाएगा। तो सिंपली हमने ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले सर्वर को फाइंड किया जा रहा है, सर्वर फाइंड हो चुका है, स्केल वही सेम लिया गया है। तो चलिए हम इस फ़ोन में भी उस ऐप को रन करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या स्पीड निकल कर आती है। तो हमने यहाँ पर गो पर क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी देख रही है। शुरुआत में स्पीड आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी 30 Mbps, लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डाउन गई है और 24 Mbps। और जो अपलोड स्पीड है वो निकल कर आई है 11 Mbps, जो कि जियो से तो बहुत ही बेहतर है और एयरटेल से थोड़ी कम देखने को मिलती है। सो अगर कंपेयर करें हम तीनों ही ऑपरेटर्स को, तो यहाँ पर एयरटेल को हम पहला नंबर देना चाहेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर हम दोनों ही ऑपरेटर्स यानी वोडाफोन आइडिया और जियो को रखना चाहेंगे, क्योंकि जियो की स्पीड डाउनलोड अच्छी है लेकिन जो वी है उसकी अपलोड स्पीड आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। सो आपको वीडियो कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी और अन्य वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।